नमस्कार। सो चूंकि अब यू नो वो कहते हैं कि फाइनल डे आने वाला है दो दिन बाद, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरने वाले हैं एमसीसी की काउंसलिंग के, बोथ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। देखिए बहुत आसान हो जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, उसका कारण है ना क्योंकि वो रिजर्वेशन नहीं है। सो जो डीम्ड में जा रहा है अक्सर वो वही होता है जिसे गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में नहीं मिला, और उसके बाद सो जो डीम्ड में जा रहा है एंड डीम डजेंट हैव अ स्टेट रिजर्वेशन, आप ये अच्छी बात जानते हैं। सो पूरे हिंदुस्तान अगर कस्तूरबा मणिपाल को और कस्तूरबा बैंगलोर को वन और टू रखता है तो द एंटायर इंडिया नो कि दीज आर दी बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और मे बी द टॉप फाइव बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो एंड डेफिनेटली मे बी द टॉप 20 कॉलेजेस ऑल्सो। कोई इंसान अगर सरकारी छोड़ के भी कॉलेज में जाना चाहे, इशू होता है सरकारी का। देखिए अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपको क्लियरली पता है कि मेरे हरियाणा के टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं, गिनके वहाँ 6 ही कॉलेज हैं, सबको रैंक 1-6 मालूम है। पंजाब में रहते हैं 4 ही कॉलेज हैं, लेकिन पंजाब वाले को क्या पता कि कर्नाटक के कॉलेजों की क्वालिटी क्या है। वो एक शायद एक एस्टिमेट लगाते हैं सिर्फ ये देखिए कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक में कौन कब ख़त्म हुआ था, और जो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, राइट, और उसमें भी बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन पिक्चर में आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कभी कभार देखिए कोई ऑल इंडिया कोटा में तो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो एक केरला वाला बच्चा आसपास केरला के ही प्रेफर करेगा अदर देन दिल्ली और नामी। साउथ इंडियंस तो जनरली साउथ इंडिया में रहना पसंद करते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा, पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में सबको एक बकेट बना लूँ और आप एक उड़ीसा के भी हो, ऑफकोर्स एम्स दिल्ली या दिल्ली के टॉप कॉलेज सब लेना चाहेंगे, बट उसके बाद आती है चॉइस ना कि मैं उड़ीसा का ही लूँ या मैं पटना वाला पटना मेडिकल कॉलेज लूँ या मैं आके ऑल इंडिया कोटा से SMS जयपुर ले लूँ या मैं KMU लखनऊ ले लूँ या मैं GVM कानपुर ले लूँ, राइट। और यहाँ पर वो कन्फ्यूजन्स या ऑप्शंस आनी स्टार्ट होती हैं, या गुजरात वाला सोचता है मैं गुजरात का ही ले लूँ जहाँ पर मेरा यूनिवर्सिटी कोटा लग जाएगा या मैं बाहर जाऊँ, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ऑल इंडिया कोटा की चॉइस लिस्ट भरना कोई आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। द क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस वेरीज अक्रॉस इंडिया, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्थ में रहते हैं तो आँख बंद करके सारे हरियाणा यूपी दिल्ली के पहले भर दिए। आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो मेरे पास हिमाचल के क्लाइंट होते हैं, हिमाचल के 6 में से कहते हैं सर एक शिमला भर देना, वो भी टॉप में मत भरना बेशक, और बाकी 5 तो बिल्कुल ही 100 के भी नीचे कर दो। ये है हिमाचल वालों का, और किसी हिमाचल में किसी के 630 नंबर हैं वो हिमाचल में नहीं पढ़ना चाहते बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो एसेट्रा एसेट्रा। सिमिलरली अब यूपी की बात कर लो, जो 2 साल पहले 10 नए ऑटोनोमस कॉलेजेस आए थे या थोड़े पुराने भी हैं जिनमें भी शायद दीवारें भी खड़ी नहीं हुई हैं, सो यूपी वाले कहते हैं सर यहाँ मत भेजिए, अच्छे राजस्थान, अच्छा MP, अच्छा महाराष्ट्र, अच्छा कर्नाटका एक्सेट्रा एक्सेट्रा में हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी मतलब है, खासकर अब जब पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को भी एग्जिट टेस्ट देना है। देखिए आज तक क्या था ना कि एक बार आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में घुस गए सरकारी में तो पास हो जाते थे, अब तो नेक्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 वुड बी अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाइक नीट, तो उसमें आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको असली में पढ़ाई करनी पड़ेगी बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। हम हमेशा यही कहते हैं कि वी आर लकी, हर साल हमें ना कुछ क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं जो खुद बड़े फेमस बड़े डॉक्टर्स हैं और जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की लिस्ट है उसको वो वेट कर देते हैं, वो फिर भी देखिए हमें हायर करते हैं क्योंकि वो सब बिजी डॉक्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आप सरकारी काउंसलिंग के 20-25 हज़ार रुपये ले रहे हो आप ले लीजिए, क्योंकि जब ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरते हो ना 300 ऑप्शंस को जब आपने सेलेक्ट करना होता है और वो इतनी क्लोज होती हैं कि अक्सर कभी एक बार हम लोग गलती से BDS सेलेक्ट अगर कर गए लेफ्ट से राइट में या आप नर्सिंग कर गए, देखिए नर्सिंग तो फिर भी छोड़ सकते हो क्योंकि पहले वो आपसे पूछेगा, बट MBBS BDS हमेशा ना एक ही उसमें आता है ब्रैकेट में, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग बेचारे गलती से ना BDS के कॉलेज को शिफ्ट चूज़ कर लेते हैं, 300 की लिस्ट आती है, ये लोग कोई आपको ऑप्शन नहीं देते कि आप डाउनलोड करके एक्सेल में वो चेक कर लो कि जो आपने चॉइसेस भरी हैं उसमें कोई BDS तो नहीं है, तो हम वो भी हेल्प करते हैं, हमें एक्सपीरियंस है, वी हैव अ फाइन आई, वी हैव अ डीप आई एज ए टीम, हमारा एक्सपीरियंस है करने में, बट उससे ज़्यादा ऑल इंडिया कोटा में भी जैसा जो जब स्टेट्स में भी आपका नंबर आएगा, चलो मैं तो स्टेट में चाहे यूपी में अब 30 के भी ऊपर कॉलेज हो गए तो यूपी वाले शायद सारे दिखाएंगे, या जो 2 साल पहले नए खुले हैं उसमें कौन सा जो बहुत ही ख़राब चल रहा है, कौन सा जो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, सो ये जजमेंट्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर लकी एज ए कंपनी, जस्ट हमें क्लाइंट्स ही मिलते हैं जो ये करके हमें दे देते हैं, और कुछ खुद के जजमेंट से, कुछ जो हमारे जानकार उन शहरों में उन स्टेट्स में रहते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं इंडिया के सारे कॉलेजों को पर्सनली देख कर आता हूँ, वो भी हर साल, तो कभी कभार ये भी होता है ना कोई क्वालिटी 3 साल पहले नया कॉलेज आया था
अब वो ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मतलब अगेन उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, बट वरुण अर्जुन एक 3 साल पहले कॉलेज आया था, यूपी की बात बता रहा हूँ मैं, और मेरा कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि क्लाइंट से ही मुझे बताया, क्योंकि मैं हर साल नहीं जाया, मैंने बोला तो वो द कॉलेज इज ओन्ड बाय द सेम ग्रुप हु ओन्स रोहिला खंड मेडिकल कॉलेज बरेली, क्योंकि सेम ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, तो वरुण अर्जुन पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए पेशेंट फ्लो तो कम ही रहेगा, लेकिन यू नो तो वरुण अर्जुन ने 2 साल में तरक्की कर ली है, और उसी 2021 में जो 20 में जो और बाकी 4 कॉलेज आए थे उनमें 2 बर्बाद होते चले जा रहे हैं, राइट। अब ये जो बिल्कुल हर साल की फिगर है कि इस साल क्या चेंज हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हर साल तो 700 कॉलेज में जा नहीं सकता, और ना उतना हमें आप लोग फीस देने को तैयार हो कि मैं आपके बिहाफ पे पूरे साल घूमता रहूँ कॉलेजेस में और जाके चेक करता रहूँ पर्सनली। कुछ हम फ्रेंड से फीडबैक लेते हैं, कुछ जो स्टेट्स में रहते हैं उनसे लेते हैं, और कुछ मैंने कहा ना, जैसे क्लाइंट आया यूपी के क्लाइंट है, इन्होंने हमें फी भी पूरी पे कर दी, और चूँकि ये खुद थोड़े से कह लो खाली थे, 32 में से 25 कॉलेज खुद अपनी आँखों से देख कर रहे हैं और हर जगह 2-3 घंटे लगा के आए हैं, तो मैंने कहा जी आप ही मेरी लिस्ट को जरा एक बार रिवाइज़ कर दो जो हमारी लास्ट ईयर की थी, और 2-4 चेंजेस हुए, और तभी मैंने जिस कॉलेज का मैंने नाम लिया कि सर आप इसको ज़रूर ऊपर रखिए, ये काफ़ी कॉलेजों से अच्छा कर रहा है जो पुराने भी थे। तो इस तरह की ऑल इंडिया में भी चेंजेस होते रहते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, और मैं अभी बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड, डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात भी नहीं कर रहा, लोकेशन। देखिए नॉर्थ इंडियंस हैदराबाद, बैंगलोर, विशाखापट्टनम में तो आप रह सकते हो, बट अगर आप बैंगलोर शहर से 150 किलोमीटर दूर एक रूरल कर्नाटका में जाते हो या इवन स्मॉल सिटी, लैंग्वेज और फूड को लेकर परेशान हो जाओगे। केरल में त्रिवेंद्रम कोची तक तो ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई तक तो ठीक है, या तेलंगाना में हैदराबाद सिकंदराबाद, या आंध्रा में विशाखापट्टनम, मैक्सिमम विजयवाड़ा, गुंटूर, फाइन, क्योंकि देर इज़ ए ह्यूज कल्चरल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड फूड। और देखिए 5.5 साल रहने आपके बच्चे को, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं 5 दिन बाद ही हमको लगता है, 2 मील के बाद आपको लगता है कि मन का खाना नहीं मिल रहा, तो मुश्किल हो गया, 5.5 साल आपका बच्चा कैसे काटेगा। सो ये सब सोच के ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कीजिए, इट्स नॉट अबाउट फॉर्म फिलिंग ओनली, और हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी मदद लेना चाहें, 9643362320 पे कॉल कीजिए, हमारा प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।